जा रहे हैं द्वारिका भाई, सोने की नगरी, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर। भाई मंदिर पूरा दिख चुका है यहाँ से द्वारका तीर्थ का, तो भाई गलियों में हम घूम चुके हैं यहाँ से वहाँ पूरा। हेलो गाइस, वेलकम अनदर डे। तो स्वागत है सभी लोगों का जगदीश डे व्लॉग में। तो आज का व्लॉग हमारा सीधा स्टार्ट हो रहा, जा रहे हैं द्वारिका भाई, सोने की नगरी, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर एंड द्वारिका। एंड भैया देखो भाई ड्राइव कर रहे हैं, तो बहुत ही मस्त वाला रोड है यहाँ पे द्वारिका में। आप कभी नहीं आए होंगे, शायद जो बाहर के वो आए होंगे तो पता ही होगा कि रोड कितना मस्त है और साफ है। तो भैया यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी, एंड चलो भाई यहाँ से अब 30 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है, तो फटाक से निकलते हैं। आप सभी लोगों को भी मैं दर्शन करवाता हूँ श्री द्वारिका तीस का, तो बने रहना वीडियो पे, जाना न कहीं पे। ओके चल, ओके गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं द्वारिका मंदिर, और आप सभी लोग देख पा रहे होंगे सामने ही मंदिर है। अभी देखते हैं कितना ट्रैफिक है यहाँ पे, एंड गाड़ी सीधा अंदर ही ले जाएंगे भाई, मंदिर के बिल्कुल पास नहीं, लेकिन वहाँ पे जो पार्किंग है वहाँ पे। ओके गाइस, तो फाइनली द्वारिका पहुंच चुके हैं, लेकिन भाई अभी दोपहर के 3 बजने वाला है। अभी भाई वो भैया मिले, उसने बोला कि भाई 5 बजे मंदिर खुलेगा, तो अभी 2 घंटे की भाई यहाँ पे देरी होने वाली है। 2 घंटे बाद मंदिर खुलने वाला है, अभी फिलहाल मंदिर बंद है। तो मैं सोच रहा हूँ भाई यहाँ पे घूमने के लिए जाऊँ, और ये रहा द्वारिका का मंदिर, आप देख सकते हो भाई, जय द्वारिका दिस। कमेंट में भाई एक बार लिख दो जय द्वारिका दिस, एंड अभी वहाँ पे जाने वाले हैं। वो क्या है, फिर मंदिर खुलेगा तभी, अंदर तो मोबाइल नहीं ले जाने देंगे क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है, तो बाहर से ही करना पड़ेगा। बाहर से थोड़ा सा मैं शूटिंग दिखा पाऊँगा, एक फ्रेंड है पुलिस में यहाँ पे, लेकिन मैं भाई ज़्यादा यहाँ पे ऐसा नहीं करने वाला कि भाई मोबाइल ले जाके अंदर ले जाऊँगा, एंड फिर भाई क्यों ना अगर कोई देखेगा तो बोलेगा कि भाई ऐसा क्यों करना फिर, तो चलो ठीक है बाहर से ही हो जाएगा सब कुछ। ओके गाइस लेट्स गो। यहाँ पे भी देखो भाई कितनी सारी, चारों तरफ भाई देख सकते हो कितनी सारी शॉप है यहाँ पे, देखो 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 देखो, फिर आगे आता है मंदिर, मंदिर जहाँ पे होता है उसके आसपास इतनी सारी दुकानें और शॉप वगैरह सब कुछ होता है। अभी यहाँ पे भी सब कुछ है अगर कुछ लेना हो तो। चले भाई चलते हैं मंदिर जल्दी। आप देख पा रहे हो ये मेन चौक है द्वारिका का, यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पे भाई देखो भगवान की मूर्ति, उसके फोटो, कपड़े ऐसे ट्रेडिशनल जैसे जो डांडिया रास में और सब में पहने जाते हैं ये सब, एंड यहाँ से ये झूलता पुल जैसा बनाया है सामने की तरफ किनारे पे चलता है जाता है वहाँ पे। अभी देखते हैं यहाँ पे, शायद अभी बंद है भाई, भैया और वो उधर जा रहे हैं, मैं तो इधर देखो। गर्मी बहुत है भाई, धूप बहुत ज़्यादा धूप है, देखो भाई ये सब देखो। वो रहा वो पुल, लेकिन अभी बंद है भाई, पता नहीं क्यों बंद है, लेकिन बंद है अभी। ओ भाई अभी इतना बड़ा मार्केट इस साइड से शुरू होता है यहाँ से, और ये सीधा द्वारिका जाने का रास्ता है यहाँ से, द्वारिका मतलब मंदिर के पास, तो यहाँ से अभी जाएंगे मंदिर पे। और ये ब्रिज तो बंद कर दिया है क्योंकि मोरबी में जो हुआ था, मोरबी में होने के बाद ये ब्रिज को भी बंद कर दिया है भाई, ये झूलता ब्रिज है ना, वो टूट गया था मोरबी में, इसके बाद ये भी बंद कर दिया। मार्केट दिखा रहा हूँ गाइस आप लोगों को, मार्केट यहाँ पे, लेट्स गो भाई। ये देखो रुको, चारों तरफ शॉप है यहाँ पे, पर्स, लेडीज लोगों का सब कुछ सामान देखो यहाँ पे, मिरर सब ऊपर भी देख सकते हो कपड़े, और ये झूम, ये क्या ले रहा भाई देखो, ओ भाई ओ भाई ओ भाई भाई देखो अंदर कितना बड़ा शॉप, यहाँ पे भी चप्पल है बहुत ही मस्त, अभी हमने चप्पल तो लिए, यहाँ पे भी है, यहाँ पे एंड फिर यहाँ से मंदिर का दूसरा गेट है इस तरफ जो कि शुरू हो जाता है यहाँ से। चाचा भी खोल के बैठे हुए दुकान, क्या बात, चाचा यहाँ पे भी है आगे भी है। सामने भी मार्केट पूरा द्वारका में भाई, ज्यादातर एक स्वीट
द्वारिकाधीश का यहाँ पे मंदिर, दूसरा मार्केट मंदिर, जो भी फेमस मंदिर होता है ना उसके आसपास मार्केट होता है बड़ा वाला। देखो यहाँ पे भी मेरा मंदिर है एंड मार्केट देखो भाई पूरा कितना बड़ा जबरदस्त। द्वारिकाधीश भाई मंदिर पूरा दिख चुका है यहाँ से, द्वारिकाधीश का पहले यहाँ से हम दर्शन कर लेते हैं, लेकिन 5 बजे मंदिर खुलेगा। अभी पूरा मंदिर बंद है, तो पूरा मार्केट हम यहाँ पे घूम रहे हैं। गाइस तो भाई गलियों में हम घूम चुके हैं भाई यहाँ से वहाँ पूरा, देखो गलियाँ कैसी। और मैं द्वारिका 2 से 3 ही बार आया हूँ, तो अभी एक भैया को रास्ता पूछा तो उसने बताया ओके इस गली में से जाओ फिर यहाँ से इस तरफ मुड़ जाओ तो गोमती आ जाएगी। चलो भाई चलते हैं। ओके गाइस तो द्वारका में ऐसे ही घूमते घूमते हमें मिला ऐसा कुछ कुंड भाई, यहाँ पे हम पहली बार आए एंड पुराना है भाई बहुत ही पुराना। यहाँ पे मंदिर भी कुछ है देखो, तो ये मिला है। मैं तो पहली बार आया हूँ भाई इस वाली जगह पे, मैं भी पहली बार आया भाई। ये पेड़ है भाई बीच में से बड़ा सा पेड़ देखो ऊपर तक। 15-20 मिनट के प्रयास के बाद यहाँ पे सब घूमने के बाद पहुँच चुके हैं गोमती पे। और पानी भाई समुंदर बहुत ही नीचे है अभी, बहुत ही नीचे है। तो चलो भाई बोट है सब। ओ ये बॉय वहाँ पे भी गाइस मंदिर है तो वहाँ पे भी चलते हैं, लेट्स गो। ये ब्रिज है ना गाइस, देखो मैं इसकी बात कर रहा था, ये ब्रिज बंद कर दिया है क्योंकि इस ब्रिज मोरबी में अभी जो ब्रिज टूटा ना इसके हिसाब से उसको देख के भाई इसको भी बंद कर दिया क्योंकि डर लगा भाई सबको ये भी टूट जाएगा, क्योंकि भाई पब्लिक तो है ऐसे ऐसे डांड या रास खेलेगी ब्रिज के ऊपर तो टूट ही जाएगा ना। चलो भाई आगे चलते हैं, दिखाता हूँ आगे। ओके तो लास्ट द्वारका में लास्ट यहाँ पे मंदिर है नारायण जी का मंदिर, आप देख सकते हो। और अभी पानी ना समुद्र में बहुत ही कम है, जब अभी दोपहर के 5-5:30 बज जाएंगे ना तब यहाँ पे पानी बढ़ेगा और वहाँ तक पूरा वहाँ तक पानी जाएगा, तो अभी बहुत ही कम पानी है। एंड यहाँ पे ये लास्ट वाला मंदिर है नारायण जी का, देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ भी है और यहाँ पे पत्थर भी डाले हुए आगे बीच पे, मतलब बीच ही समझ लो, तो वो भी अभी दिखाऊंगा। और यहाँ से द्वारिका मंदिर तो नहीं दिख रहा है लेकिन पूरा आपको यहाँ से मैं लोकेशन दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से ये गोमती है गाइस, गोमती। अभी पानी नहीं है, पानी कम है, जब समुद्र आ जाएगा तब पूरा दिखाई देगा। तो चलो बीच पे चलते हैं अभी गाइस, लोकेशन दिखाऊं। भाई साहब देखो भाई लोकेशन देखो यहाँ का कितना मस्त है। और अभी मोबाइल में आपको थोड़ा वैसा दिख रहा होगा लेकिन ये जो है ना लोकेशन क्या ही मस्त है पूरा। एंड इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है यहाँ पे भी। ये मंदिर देखो लास्ट वाला मैंने आपको दिखाया था और ये तो मतलब एकदम झांसू, और वहाँ पे लास्ट में लाइट हाउस है वो भी आप देख सकते हो भाई, काफ़ी मस्त है। अभी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है एंड द्वारिका मंदिर है जो यहाँ से अभी आप सभी लोगों को नहीं दिखाएगा लेकिन एकदम मस्त है। द्वारिका का बीच गाइस, द्वारिका का बीच, लेकिन भाई गंदा तो कर दिया है लोगों ने, गंदा तो करते हैं। व्यू तो काफी मस्त आ रहा है लेकिन काफी सालों बाद में द्वारिका आया हूँ गाइस, कितने क्यूट क्यूट है देखो पक्षी भाई। अरे अरे कहाँ पे जा रहे हो, कितने क्यूट है इसके पेड़ तो देखो, आ जा आ, च, 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 भाग गया, कितने मस्त है और बहुत ही सारे हैं देखो। ओ भाई स्पीड बोट भूमि जी को देखो घूमती हुए, सिर्फ पैर धोने के लिए गए थे और पूरा पानी भाई एकदम से आया ना ज्यादा। फाइनली द्वारकाधीश के मंदिर पे पहुंच चुके हैं हम, लेकिन अभी मंदिर बंद है भाई, क्या करेंगे भाई थोड़ी देर भाई, एक 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 घंटे तक तो घूम रहे हैं अभी हम, लेकिन अभी घूमेंगे थोड़ी देर और 5 बजे खुलेगा मंदिर। जब 5 बजे खुल जाएगा ना मंदिर तब यहाँ पे आएंगे एंड फिर भाई दर्शन करेंगे यहाँ पे, एक घंटे के बाद अभी भी खुलने वाला है। अभी गाइस ना 10 से 15 मिनट में ही मंदिर खुलने वाला है, तो लेकिन अंदर ना मोबाइल अलाउड नहीं है तो हम भाई वीडियो भी शूट नहीं कर पाएंगे। अभी देखते हो भाई कितने सारे लोग हो चुके हैं यहाँ पे भाई,
लाइन में खड़े हो चुके हैं, तो अभी दर्शन तो करने जा पाएंगे लेकिन मोबाइल अंदर अलाउड नहीं है, तो मोबाइल यहाँ पे रखना पड़ेंगे। तो हम जाते हैं दर्शन करने के लिए। मंदिर खुल चुका है और दर्शन हम सभी ने कर लिया है, तो अभी यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका है, तो जा रहे हैं अभी लोग है भाई दर्शन करने के लिए। अभी तक कोई भी नहीं था लेकिन जैसे ही मंदिर खुला चारों तरफ लोग ही लोग निकल चुके हैं। गाइस पीछे देख सकते हो जय द्वारिका तीस दिख रहे हैं यहाँ पे। देखो गाइस अभी निकलने वाले हैं यहाँ से, सीधा जाएंगे जामनगर, तो बिना स्टॉप के तो कहीं पे ब्लॉग शूट नहीं करेंगे। अब सीधा मिलते हैं हम जामनगर पे, एंड मोबाइल में भी सिर्फ 7% बैटरी बची हुई है, तो लेट्स गो गाड़ी में रखते हैं एंड पहले तो मोबाइल चार्ज करते हैं। गाइस फाइनली द्वारिका से आ चुके हैं एंड आई होप कि आप सभी लोगों को मजा आया होगा द्वारिका का व्लॉग देखने के लिए। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करवाया भाई हमने। अंदर तो देखो कैमरा अलाउड नहीं है और अंदर हम शूट भी नहीं कर सकते। अगर हमने किसी से भाई बात करके भी अंदर ले गए तो अगर कोई देखेगा और बोलेगा तो सभी भाई से बोलेंगे कि मुझे भी अंदर कैमरा ले जाना है, अंदर शूट करना है, तो हम अंदर नहीं ले गए। लेकिन बाहर से मंदिर का ही दर्शन कर लो, मतलब आ गए द्वारकाधीश का दर्शन हो गया गाइस। तो आई होप कि आप सब लोगों को मजा आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो ऐसे ही व्लॉग्स देखने के लिए। भाई बेल आइकन को ऑल पे रखना ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को सबसे पहले मिल जाए। ओके तो आज के लिए बस इतना ही था, तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, बाय बाय।